टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज में। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सब अपने स्टेटस को कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे सवाल कर रहे थे कि सर हमारे स्टेटस में ये प्रॉब्लम है। तो मैं आज आप सबको बारीकी से समझाऊंगा कि आपका स्टेटस कैसा शो कर रहा है, तो आप अपना स्टेटस कैसे सही कर सकते हैं, और ऐसे स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप आएगी। और मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आज इन जिले वाले छात्रों की स्कॉलरशिप आई है। ये छात्र, इन जिलों के छात्र तुरंत जाके अपनी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप सबको इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। मैं आप बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। मैं आप सबको बारीकी से समझाऊंगा, और मैं आप सबको बता दूं, जितने भी भाई लोग हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि मैं कोई भी छोटी बड़ी अपडेट रहे तो मैं आप सबको अपडेट करता रहूं। तो मैं दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जितने भी भाई लोग हो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, अब देरी मत करो। अगर आप देरी करते हो तो स्कॉलरशिप से आप लोग वंचित हो सकते हैं। तो मैं आप सबको बारीकी से समझाने वाला हूँ कि आपका स्टेटस कैसा शो कर रहा है, क्या आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, और ऐसे स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप कब तक आएगी। मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं इन बच्चों का ले लेता हूँ। यहाँ पे जिन बच्चों का रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी स्टेटस शो कर रहा है, वो स्कॉलरशिप उनकी आने की कम चांसेस है, मुश्किल से 50% चांसेस है उनकी स्कॉलरशिप आने की। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं और बच्चों का स्टेटस ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, जिन बच्चों का ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 50% फील्ड स्टूडेंट शो कर रहा है, ऐसे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप 100% आएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप 100% आएगा। अगर स्कॉलरशिप आती है तो आप सबका स्कॉलरशिप 100% आएगा, क्योंकि आपका कोई इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो ऐसे बच्चों का क्या हो रहा था, ऐसे बच्चों का जिनका स्टेटस अगर इस प्रकार शो हो रहा है, स्कॉलरशिप रेंज 6600 एंड फीस रिइंबर्समेंट, ऐसे बच्चों का क्या हुआ है कि इन बच्चों का स्कॉलरशिप आ रही थी, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से, DWO की तरफ से आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जा रही थी, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल दिखा रहा है, मतलब आपके बैंक में कोई इशू है भाई, इसलिए आपका ऐसा दिखाई दे रहा है। आप अपने बैंक जाइए, वहाँ से पूछिए कि सर मेरा गवर्नमेंट PFMS से की, मतलब PFMS की तरफ से स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ पा रहा है, क्यों ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, तो आपके बैंक वाले बताएंगे, आपका सही कर देंगे, आपकी स्कॉलरशिप आने लग जाएगी। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मैं इन बच्चों के ले लूँ, कॉलेज डज नॉट पास NBA ग्रेडिंग, मतलब जिन बच्चों का NBA ग्रेडिंग वाला इशू है, इनको भी परेशान नहीं होना है, इनकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर सबकी स्कॉलरशिप आती है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ऐसा आप में कोई इशू नहीं है। बस ये क्या बोला गया है कि आपके मतलब स्कूल वाले को अप्रूवल नहीं है स्कॉलरशिप देने का, ऐसा कुछ इशू यहाँ पे है, पर आपकी स्कॉलरशिप अगर आनी रहेगी तो आएगी। बस आपको 70% उम्मीद मान के चलना कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं, स्कॉलरशिप फीस रिइंबर्समेंट अमाउंट नॉट डिसबर्ड अनबिल्टी फंड, मतलब इन बच्चों का ये शो कर रहा है कि जिन अनबिल्टी फंड के कारण इनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाई है। तो भाई ऐसा है, आप परेशान ना होइए, आप सबकी स्कॉलरशिप आएगी, अगर आना रहेगा 29 तारीख का आप इंतज़ार कर लीजिए, 29 तारीख तक सभी बच्चों की स्कॉलरशिप आने वाली है। बस आप सबको 29 तारीख तक इंतज़ार कर लेना। अभी मैं आप सबको बताऊंगा आज इन जिलों में स्कॉलरशिप आई है, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना यहां से चेक कर सकते हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि आपकी भी स्कॉलरशिप आ चुकी है या ना आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे स्कॉलरशिप फंड यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लॉक वाले बच्चे जितने हैं उनको भी नहीं परेशान होना है, इनकी भी स्कॉलरशिप आएगी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये रिजल्ट नहीं डिक्लेयर है तो ये गवर्नमेंट का इशू है, तो आप क्यों परेशान होंगे, आपका तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है,
तो ये गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटस अपडेट करा है, लेकिन स्टेटस अपडेट होने वाला है, आप सबकी स्टेटस आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको आपके कुछ कमेंट के सवालों के जवाब दे देता हूँ। बहुत से बच्चे कल कमेंट कर रहे थे, तो बहुत मैं आपको समझा देता हूँ क्या गलती हो रही थी उनसे। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आप यहाँ पे आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप सबको बारीकी समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि यार कल वाले स्टेटस में बहुत से बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं भाग चूतिया साले ऐसा कुछ भी बोलते हैं भाई लोग। मतलब इन लोग को यार समझ नहीं है किसको क्या बोल रहे हैं यार, इतना भी तो समझ होना चाहिए इनमें यार। भाई कुछ भी बोल देते हो आप लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ने वीडियो को सही से समझा नहीं। मैं बोल रहा था कि आपको जहाँ स्टूडेंट वाला दे रहा है आपको इंस्टीट्यूट वाला, वहाँ पे सर्च करके आप डाउनलोड पीडीएफ में डाउनलोड करके अपना देख सकते हो। तो बस सब बच्चे ने समझा नहीं, बस सबके सब गलत गलत बोलने लग गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गेश यादव, भाई दुर्गेश यादव आज तक तो मैं आपका अच्छा कमेंट आया था हमारे वीडियो पे, जितना भी वीडियो में आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ तो आपका अच्छा कमेंट आया था, लेकिन दुर्गेश कल आपने ऐसा कुछ बोला हमें अच्छा नहीं लगा था। तो भाई आप लोग गलत बोलते हो तो गलत बोलो, आपकी स्कॉलरशिप के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ यार। मैं स्कॉलरशिप नहीं पेड कर रहा हूँ कि मैं आप सबको दे दूँगा, मैं कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप सबको इन्फॉर्म करता हूँ। मतलब इसका नहीं हुआ कि आप सब कुछ भी बोल देते हो भाई, तो बोलो आप लोग, इसका मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से बच्चे कल बोले थे, तो भाई आपको क्या करना है, जब आपको स्टेटस में जाना है तो स्टेटस में जाके आप पीडीएफ में सर्च करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं भाई, प्लीज़ आप ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं आप कुछ बच्चों का नाम ले लेता हूँ। यहाँ बोल रहे हैं कि सर बलिया में, तो ऐसा मैं बता दूं दोस्तों, अगर जो स्कॉलरशिप है फंड कम होने के कारण अब स्कॉलरशिप कम कम स्थानों पे जा रहा है, तो आप सब इंतज़ार कर लीजिए, अगर बलिया ज़िले में स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, हमें अपडेट आता है तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कोई भी छोटी बड़ी अपडेट रहता है मैं आप सबको अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आर के एडिटिंग जोन, ये बंदा डे वन से हमारे साथ लगा हुआ है, ये भी वीडियो देखता है, ये भी समझता है, तुम्हारी स्कॉलरशिप आर की रेटिंग 100% आएगी। बस आप अपना इंस्टाग्राम पे, आप अपना इंस्टाग्राम पे Yadvanshi2456 पे अपना स्टेटस हमें ट्रांसफ़र कर देना, मैसेंड कर देना अपना स्टेटस। मैं आप सबके लिए, जो जो बच्चे हमारे साथ डे वन से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी स्कॉलरशिप लेने की मैं गारंटी लेता हूँ 29 तारीख तक। और बाकी बच्चों मैं आप सबको जिम्मेदार नहीं हूँ, आप लोग न्यूज़ लो उसके बाद गलत गलत भाषाएं बोलो, आपका यही आप लोग का यही काम ही रहता है, तो मैं आप सबको समझा भी नहीं पाऊँगा। तो ऐसे जिन बच्चों का जो बच्चे हमारे साथ डे वन से जुड़े हैं उनके लिए मैं खुशखबरी देता हूँ, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे Yadvanshi2456 पे DM कर सकते हो, मैं आप सबको सॉल्यूशन लेके आपको मैं समझा दूँगा। उसके पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ, जितने भी भाई लोग हो मैं आपको बता दूँ आज कौन कौन से ज़िले में स्कॉलरशिप आई है, ऐसे छात्र तुरंत जाके अपनी स्कॉलरशिप चेक करें, इनकी स्कॉलरशिप आ गई रही होगी, आप जाके तुरंत जाके चेक करिए। मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि आप जाके तुरंत से अपना चेक कर ले। तो मैं आपको बता दूँ जिन आज कौन कौन से ज़िले आज जान जा बता दें आपको, मैं आज आगरा ज़िले में और अलीगढ़ और खैर ज़िले में और प्रयागराज में आज 4 ज़िलों में स्कॉलरशिप आई है। इन बच्चों को क्या करना है, अपने साइबर पे चले जाना है, साइबर पे जाने के बाद अपना अकाउंट बैंक अकाउंट चेक कर लेना है। मैं बोल रहा हूँ ये जितने भी स्टूडेंट हैं अदर देन इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब जाएं बैंक से अपना चेक करके पता कर सकते हैं उनके अकाउंट में पैसा आ गया रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, अगर पैसा आ गया रहेगा तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा सर कि हमारा आज पैसा आ गया है, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आगरा अलीगढ़ खैर प्रयागराज, तो आज आप सबकी स्कॉलरशिप आ गई है, आप लोग जाके चेक कर लेना, अगर आपकी स्कॉलरशिप आई रहेगी आपके खाते में तो कमेंट में बताना मत बोलना दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी भाई लोग हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आप लोग को अब यहाँ पर आप लोग अब देरी करते हो तो आपको स्कॉलरशिप से आप वंचित हो सकते हैं। जितने भी भाई लोग हमारे साथ डे वन से जुड़े हैं उनकी स्कॉलरशिप आके रहेगी। तो मैं धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं पे विदा लेता हूँ। तो जितने भी भाई लोग हो आपको हेड देना है तो हेड दो या कुछ भी करो। नमस्कार दोस्तों, हमारा काम है वीडियो बनाना, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।